गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मेनी टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर 1 शेप्स एंड स्पेस. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अनदर टॉपिक्स दैट इज नियरर एंड फार्दर, नियरेस्ट एंड फार्देस्ट. सो स्टूडेंट्स, नियर मीन्स पास एंड फार मीन्स दूर. ये तो आप लोग को पता ही है, बट नियरर एंड फार्दर. नियरर मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच इज क्लोज टू द अदर ऑब्जेक्ट. मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से थोड़ा और नज़दीक में है तो वो क्या हो जाता है, नियरर हो जाता है. एंड फार्दर मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच इज़ समवॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट. मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ के जस्ट थोड़ा दूरी में है तो उसे बोला जाता है फार्दर. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दैट देर आर टू बर्ड्स इन द पिक्चर, पिंक एंड येलो. द पिंक बर्ड इज़ नियरर टू द हट दैन द येलो बर्ड. वो पिंक कलर की चिड़िया येलो चिड़िया से ज़्यादा हट के पास है. तो ये है नियरर का एग्जाम्पल. इन द सेम पिक्चर ऑल्सो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ फार्दर. द येलो बर्ड इज़ फार्दर फ्रॉम द हट दैन द पिंक बर्ड. अब ये येलो रंग की चिड़िया पिंक रंग की चिड़िया से ज़्यादा हट से दूर में है. तो ये है एग्जाम्पल ऑफ फार्दर. लेट्स टेक सम अदर एग्जाम्पल्स. नाउ सी फर्स्ट वन, अ कैट इज़ फार्दर फ्रॉम अ मैन एंड अ रैट इज़ नियरर टू द मैन. इसका मतलब है कैट क्या है, वो इंसान से थोड़ा दूरी में है, और रैट क्या है, वो चूहा, वो इंसान के करीब में है. इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी एन इरेजर इज़ नियरर टू द मैन एंड अ पेंसिल इज़ फार्दर फ्रॉम अ मैन. इरेजर क्या है, उस इंसान के करीब में है या पास में है, और पेंसिल क्या है, वो इंसान से थोड़ा दूरी में है. इन द थर्ड पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी अ स्मॉल बॉय इज़ नियरर टू द मैन एंड अ डॉग इज़ फार्दर फ्रॉम अ मैन. अब क्या है, वो छोटा सा लड़का वो इंसान के करीब में है, और वो डॉग वो इंसान से थोड़ा दूर में है. इन द फोर्थ पिक्चर यू कैन सी अ बकेट इज़ नियरर टू द मैन एंड अ काउ इज़ फार्दर फ्रॉम अ मैन. अब यहाँ पे भी वो बकेट, वो बाल्टी क्या है, वो इंसान के करीब में है, और वो गाय वो इंसान से थोड़ा दूरी में है. इन द फिफ्थ पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी दैट एन एप्पल इज़ नियरर टू द मैन अ पाइन एप्पल इज़ फार्दर फ्रॉम अ मैन. इसका मतलब है वो सेब इंसान के करीब में है, और वो अनारस वो इंसान से थोड़ा दूरी में है. This was for nearer and farther. So now let's see another one. So now we will discuss another topic, that is nearest and farthest. Nearest means सबसे करीब, और farthest means सबसे ज़्यादा जो दूरी में होता है. So now I will explain you through some examples. Now you can see there are three boys in the picture. Now let's find out which boy is nearest to the school and which boy is farthest from the school. कौन लड़का सबसे स्कूल के करीब में है, और कौन लड़का स्कूल से ज़्यादा दूरी में है. तो जो लड़का सबसे आगे चल रहा है वो लड़का स्कूल के सबसे करीब में है, और जो लड़का सबसे लास्ट में चल रहा है वो स्कूल के सबसे ज़्यादा दूरी में है. सेकेंड पिक्चर यू कैन सी देर आर थ्री कैट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. The first cat, which is looking little bit bigger, is nearer to the window, and the last cat is farther from the window. जो बड़ा वाला cat है, बिल्ली है, वो खिड़की के बहुत ही नज़दीक में है, और जो छोटा सा cat है वो खिड़की से दूरी में है. In the third picture, you can see there are three elephants going towards the tree. So the first elephant is nearer to the tree, and the last small elephant, a baby elephant, is farther